बात करने वाले हैं उड़ाड़िया के बारे में, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें हैं यहाँ पे कि आप हैरान होने वाले हो इस शो से जुड़ी हुई। वेल, उड़ाड़िया सीजन 3 रिलीज डेट लॉन्च डेट कंफर्म। क्या चीज़ें चल रही है शो के साथ और क्या चीज़ें आप सभी को देखने मिलेगी। सबसे पहले शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आप सभी को कर देना है, तभी आपको आने वाली अपडेट मिलेगी, वो भी सबसे पहले। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। जितने भी नए लोग देख रहे हो, चाहे 1000 हो 2000, सब सब्सक्राइब करके रख लो। वेल, मेरा नाम तस्जीर खान है और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल फुल ऑन एंटरटेनमेंट। उड़ाड़िया बहुत कमाल का शो है, जिसमें आप सभी को अभी तो फिलहाल में विवेन डी सेना नज़र आ रहे थे। वेल, इसके कुछ भाग बनाए गए, यानी पहला सीज़न था, उसके बाद बहुत यानी उसके बाद सेकंड सीज़न आया, उसमें चेंजेस किए गए, उसमें आप सभी को विवेन डी सेना नज़र आए। अब यहाँ पे खबरें ऐसी है कि जो उड़ाड़िया है उसका सीज़न 3 भी लाया जाएगा, यानी इसमें भी आप सभी को अब चेंजेस नज़र आएंगे और पूरी तरह से कास्ट चेंज होने वाली है, और इसमें आप सभी को कमाल कमाल के चेंजेस नज़र आने वाले हैं। कुल मिला के शो तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है, लेकिन उड़ाड़िया में ये चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं और क्यों नहीं ये नहीं पता। लेकिन हाँ, जो किरदार थे पहले प्रियंका चार चौधरी और अंकित गुप्ता, ये इतने ज़्यादा कमाल के थे कि अगर ये शो में रहते थे तो आज भी ये शो सुपर हिट होता था। अभी विवेन डी सेना को लाया गया है और मुझे नहीं लगता है कि वो परमानेंट आए होंगे। कुछ एपिसोड के लिए आए थे वो, और आप सभी को जाते हुए भी नज़र आएंगे, एग्जिट करते हुए नज़र आएंगे शो से। और इसमें नई नई एंट्री आप सभी को देखने मिलने वाली है, वो नई नई एंट्री कौन सी होगी वो आपको आने वाले वक्त में इसी चैनल पे देखने मिल जाएगी। लेकिन शो बहुत ज़्यादा कमाल का है, उड़ाड़िया का सीज़न 3 भी शुरू हो रहा है ऐसी खबरें हैं, और इसकी लॉन्च डेट आप सभी को जल्दी ही कन्फर्म होते हुए नज़र आएगी। बाकी मेकर्स क्या करते हैं इस शो के साथ और क्या नहीं, आने वाले वक्त में मैं आप सभी को बता दूंगा।